तो स्वागत है गाइस आपको एक नई वीडियो में। तो गाइस यहाँ पे मैं आपके से बात करने वाला हूँ वही पुराना टॉपिक रेडमी 7 अपडेट के बारे में। बट ये टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है। पहले जो टॉपिक था वो था MIUI 12 अपडेट कब रिलीज होगा, क्या आने वाला है, क्या नहीं वाला, वो सब गया गाइस, वो टाइम गया। अब ये आ गया नया टाइम। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ नए अपडेट के बारे में। वैसे ये वीडियो कल अपलोड करने वाला था बट यहाँ पे मैंने सारा कुछ कर लिया था, एडिटिंग हो गई थी, सब कुछ हो गया था। बट उसके बाद जो किया है, जैसे ही मैं अपलोड करने गया तो वहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया कि नया अपडेट आ गया रेडमी 7 को। तो वहाँ पे मैंने सारा कैंसिल कर दिया, सारी मतलब वीडियो जो भी मैंने बनाई थी उसको मैंने डिलीट कर दी। अब मैं इसको दोबारा से बना रहा हूँ। तो यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट आया था यूरोप में 11.0.3, बट यहाँ पे 11.0.4 इंडिया का है। तो यहाँ पे वो एक स्टेप पीछे है, बट यहाँ पे सिक्योरिटी अपडेट के हिसाब से वो आ गए हमसे, क्योंकि हमारा सिक्योरिटी अपडेट चल रहा है 1/3/21 का और उनका चल रहा है एक जो कि पिछले महीने का 1/7/21 का। तो यहाँ पे उनको जुलाई का सिक्योरिटी अपडेट मिल जाता है, लेटेस्ट अपडेट मिल जाता है, और यहाँ पे हमें अभी तक कोई अपडेट नहीं मिला हुआ है। यहाँ पे मैं आपको पूरी वीडियो देखना, पूरी वीडियो में बता दूंगा। चलिए फटाफट से करते वीडियो को स्टार्ट। आपको मालूम होगा जब MIUI 12 सस्पेंड हुआ था, आई थिंक नवंबर में सस्पेंड किया था इन्होंने शायद, उसके बाद से दिसंबर के एंड में यानी न्यू ईयर के दिन मतलब 31 दिसंबर को इन्होंने Android 10 अपडेट रिलीज कर दिया और MIUI 11 के नए अपडेट रिलीज कर दिया गया। हाँ, जब अपडेट की रिलीज हुआ था उसके बाद इंस्टॉल हुआ था उसके बाद पता क्या हुआ था, मतलब जो सिस्टम लॉन्चर था वो पूरा बिगड़ गया था। मतलब सिस्टम लॉन्चर को जो अपडेट आया था उसको अनइंस्टॉल करना पड़ा, क्यों पता नहीं मुझे, शायद कोई बग रहा होगा। बट यहाँ पे जब सिस्टम लॉन्चर को अनइंस्टॉल किया अपडेट को, तो एक नया अपडेट आया सिस्टम लॉन्चर का, उसको अपडेट किया तो बाकी जो सब ठीक हो गया, मतलब फर्स्ट क्लास हो गया है ना। तो यहाँ पे जब आपको मैं एक चीज और बता दूँ, जब रेडमी 7 रिलीज हुआ था तो वहाँ पे ये कहा गया था कि रेडमी 7 में 632 का प्रोसेसर है जो कि काफी बड़े बढ़िया प्रोसेसर है, वो हाई परफॉर्मेंस और जो कि आपको स्मूथ और फास्ट एक्सपीरियंस देगा। बट यहाँ पे अब आया MIUI 12 पिछले साल, तो MIUI 12 पे एक ऐसा अपडेट आया जिसमें जो हाई परफॉर्मेंस था वो यहाँ पे आ गया और MIUI 12 भी यहाँ पे आ गया। यहाँ पे कुछ पता नहीं गाइस, जो कि जो हाई परफॉर्मेंस थी वो MIUI 12 के आने के बाद जो कि लो हो गई है। अब वो कैसे हुई वो हमें नहीं पता, वो वही जाने कंपनी वाले कि अपडेट सस्पेंड किस लिए किया गया। फिलहाल आप तो गाइस जो कि मुश्किल ये है कि आपको एक नया अपडेट मिल जाएगा, यानी एक अपडेट मिल सकता है, उसके बाद से कोई उम्मीद मत रखना कि आपको एक या दो अपडेट या और अपडेट मिलेंगे। क्योंकि मैंने Redmi 5A के ऊपर भी वीडियो बनाई थी, उसके कमेंट्स भी ये भी आते हैं कि नया अपडेट कब आएगा Redmi 5A में। तो वहाँ पे गाइस 2 साल पहले ही उसको अपडेट खत्म हो चुका है, उसको अपडेट मतलब टाटा वाइवा हो चुका है। अब जो कि अभी भी वो सवाल पूछ रहे हैं वो Redmi 5A के यूजर कि नया अपडेट कब आएगा, तो उनको मैं बोल देता हूँ कि ये अपडेट जो कि इसके लिए सारे अपडेट्स बंद कर दिए गए हैं, आपको सिस्टम एप्स के सारे अपडेट्स मिलेंगे बट MIUI का कोई अपडेट आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे MIUI 11 के अपडेट आप लोगों को क्यों देखने को नहीं मिलेंगे, उसके पीछे रीजन क्या है, अभी ध्यान दे रहे हैं MIUI 12 के ऊपर और इसके बाद ध्यान देंगे MIUI 13 के ऊपर। तो 11, 12, 13, तो MIUI 11 का जो बेस होगा, बेस वेरिएंट है यानी Redmi 7, Redmi Y3, इनको एक लेटेस्ट अपडेट मिलेगा, उसके बाद से अपडेट सारे बंद हो जाएंगे। और ये अभी ध्यान दे रहे हैं MIUI 12.5 पे अब रिलीज हो सकता है, 6, 7, 8, 9 जो भी रिलीज होगा उसके बाद से MIUI 13 जो कि टेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगा। एक बार MIUI 13 की टेस्टिंग स्टार्ट होगी ना गाइज, तो MIUI 12 के जो डिवाइसेज हैं उनको मतलब जो कुछ डिवाइसेज होंगे उनको सिर्फ MIUI 12 के भी एक या दो अपडेट मिलेंगे, उसके बाद से उनको भी अपडेट देना बंद कर देगी शाओमी। तो यहाँ पे जो कि पीछे से जो कि है सारे डिवाइस है उनको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा कंपनी की तरफ से और MIUI की तरफ से। बट ये नहीं है कि अगर आपको MIUI 11 मतलब MIUI का अपडेट नहीं मिलेगा, सिस्टम ऐप्स के भी अपडेट नहीं मिलेंगे, सिस्टम ऐप के आपको सब प्रॉपर अपडेट मिलेंगे, 1 या 2 महीने में सारे अपडेट मिलेंगे, आपका फोन अपडेट रहेगा बट एज अ सिस्टम अपडेट, ना कि MIUI अपडेट के लिए। अगर हम यहाँ पे बात करें Redmi 7A का, एक नया भाई है जो Redmi 7A कहा जाता है, उसमें स्नैपड्रैगन का 432 प्रोसेसर है शायद, यहाँ पे अभी मैं एक बारी देख लेता हूँ, 439, सॉरी गाइस, स्नैपड्रैगन का 439 प्रोसेसर है, उसमें MIUI 12N बढ़िया चल रहा है और Redmi 7 में 632 है, उसमें मतलब परफॉर्मेंस ही खराब कर दी उसने, जो हाई परफॉर्मेंस था उसको लो कर दिया। ये वही जाने क्यों क्या अपडेट हुआ, बट यहाँ पे इन्होंने रीजन सिर्फ एक ही बताया, परफॉर्मेंस और कैपेबिलिटी, जो ये मतलब प्रॉपर नहीं बताया उन्होंने, मतलब जो मेन इशू था परफॉर्मेंस वो ले आया, कैपेबिलिटी इशूज वो ले आया। अब इतना बड़ा स्मार्टफोन है, स्नैपड्रैगन के इतना बड़ा प्रोसेसर है, फिर भी MIUI 12 नहीं बर्दाश्त करता, वो वही जाने। तो यहाँ पे आपको एक अपडेट और मिलेगा, जैसे यूरोप में मिला था जुलाई के अपडेट के साथ, यहाँ पे आपको मिल जाता है नेक्स्ट मंथ अगस्त के अपडेट के साथ, कुछ नहीं बोल सकते। जैसे कल मैंने वीडियो बनाई, एडिटिंग हो गई थी, उसके बाद से अपडेट रिलीज हो गया। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है अभी एडिटिंग के बाद जो कि दोबारा से अपडेट आ जाए इंडिया में, हो सकता है कल आ जाए, परसों आ जाए, तो आप बोलोगे भैया ये तो अपडेट आ गया, अब क्या करना है, अपडेट करो बस, बढ़िया। अब आपको जो कि एक या दो अपडेट मिलेंगे उसके बाद से कोई अपडेट देखने को नहीं मिलेगा, आप लोग उम्मीद छोड़ दीजिए। Redmi Y3 का भी सेम है, Redmi Y3 को आप डिफरेंट मत समझिए Redmi 7 से, दोनों
दोनों ही एक मतलब भाई बहन ही है, मतलब कैमरा का फर्क है, बाकी सब सेम है, प्रोसेसर सेम है, डिस्प्ले सेम है, बैटरी सेम है, वहाँ पे आपको फंक्शन सेम मिल जाते हैं, बस जो कि एक कैमरा फंक्शन है जो आपको थोड़ा डिफरेंट मिल जाता है उस डिवाइस में, तो यहाँ पे उस चीज़ को आप डिफरेंट लेके मत चलिए, है ना। तो यहाँ पे आपको सिस्टम्स एप्स के सारे अपडेट मिलेंगे, MIUI 11 के एक या दो अपडेट मिलेंगे, ये उम्मीद रखिए आप, उसके बाद से नहीं मिलेंगे, एक बार ही एक या दो अपडेट मिलेंगे, उसके बाद से कोई अपडेट नहीं मिलेंगे, क्योंकि 5 महीने से कोई अपडेट नहीं मिला है, तो यहाँ पे आप उम्मीद मत रखिए कि आपको एक या दो अपडेट के बाद से के MIUI 13 के बाद भी आपको अपडेट देखने को मिलेगा। तो फिलहाल का आज की वीडियो के लिए इतना ही है, अब यहाँ पे उम्मीद मत रखिए अपडेट मिलेगा, दो अपडेट मिलेंगे या एक मिलेगा, दोनों में से एक अपडेट मिलेगा, तो नए अपडेट के लिए आप देखते रहिए। फिलहाल के आज की वीडियो के लिए इतना ही है, उम्मीद करता हूँ कुछ लेके लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं आपको तब तक के लिए बाय।